एक ऋषि हुए अष्टवसु प्रभास ऋषि और बृहस्पति देव की बहना, जो बृहस्पति जी हुए हैं देवता उनकी बहन, उसका नाम था ब्रह्मवादिनी। प्रभास ऋषि के पुत्र और ब्रह्मवादिनी माता जी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया, जो विश्वकर्मा पुराण में लिखा हुआ है। कैसे इनके इतिहास के बारे में आपके बीच में रख रहा हूं, सुनिए भला। अष्टवसु प्रभास पुत्र श्री विश्वकर्मा का हाल सुनो। एरे ब्रह्मवादिनी मात भुवना जिनके हैं ये लाल सुनो। अष्टवसु प्रभास पुत्र श्री विश्वकर्मा का हाल सुनो। ब्रह्मवादिनी मात भुवना जिनके हैं ये लाल सुनो। अष्टवसु प्रभास पुत्र श्री विश्वकर्मा का हाल सुनो। पूरे संसार के अंदर जितने भी लोहार हैं, लोहार जाति की उपरमणी, लोहार जाति न्यूमणी लोगो, भगवान विश्वकर्मा के पांच पुत्र हुए हैं। पहले सुन के पहले पुत्र का नाम बताया मनु। मनु के वंशज बताए जाते हैं लोहार, वो लोहे का काम करते थे। और मनु जी की शादी कंचना के साथ में की गई। कंचना के साथ में शादी करके सारी उम्र लोहे का कारोबार किया, काम किया, जिससे लोहार जाति की उत्पत्ति हुई, लोहार पंथ से पैदा हुआ। जो लोहार लोग हैं वे अपना नाम के पीछे विश्वकर्मा लगा सकते हैं। नमन करता हूँ उन ब्राह्मणों को जो आज भी ऐसे ऐसे शुद्ध कर्म करने वाले बैठे हैं। और ब्राह्मण का मतलब पांचाल ब्राह्मण उसी से अभिप्राय है जो पांच पुत्र विश्वकर्मा भगवान के हुए। पहले पुत्र का जिक्र कैसे किया, विश्वकर्मा के पांच पुत होए। विश्वकर्मा के पांच पुत होए। करकने सब ध्यान सुनो। पहला पुत्र मनु बताया नेकशील गुणवान सुनो। कंचना संग ब्याह करया था अंगीरा संतान सुनो। करया लोहे का काम सदा न्यू बने लोहार महान सुनो। करया लोहे का काम सदा बने लोहार महान सुनो। सब लोहार मनु के वंशज। सब लोहार मनु के वंशज। भाई करके सदा ख्याल सुनो। ब्रह्मवादिनी मात भुवना जिनके हैं ये लाल सुनो। अष्टवसु प्रभास पुत्र श्री विश्वकर्मा का हाल सुनो। ब्रह्मवादिनी मात भुवना जिनके हैं ये लाल सुनो। भगवान विश्वकर्मा के दूसरे बेटे का नाम बताया मैं। जितने भी खाती हैं, जो काट का काम करती हैं, वो सब किसके वंशज हैं? वो मैं के वंशज हैं। भगवान विश्वकर्मा के दूसरे बेटे मैं की देन हुई काट का काम जिसने सिखाया। और नुए को नहीं आए हो। और मैं जी की शादी हुई एक ऋषि होया करते पाराशर, उनकी बेटी का नाम था सोम्या। पाराशर ऋषि की बेटी सोम्या के साथ में स्वयंवर रचाया, ब्याह किया और उसके बाद में सारी उम्र काट का काम करा। जब ये जांगड़ा जो आप कहते हो ना, खाती जो दिमान वगैरह जो आपके गोत्र हैं, ये वहीं से निकले हुए हैं सारे के सारे। कैसे लिखा नंबर दो भाई।
दूजा पुत्र मैं बताया, दूजा पुत्र मैं बताया, जिनके वंशज खाती मुनि पाराशर की बेटी सौम्या, जिनकी जीवन साथी। पुत्र मैंने सदा काट का काम करया, दिन राती रे बात बात के गोत कम है, पर सबकी एक जाती रे, बात बात के पर सबकी एक जाती रे। अरे विश्वकर्मा की मेहर जांगड़ा, विश्वकर्मा की मेहर जांगड़ा, अरे हो रे आज निहाल सुनो, धर्मवादिनी मात बोला, जिनके है ये लाल सुनो, अष्ट वसु पर वास पुत्र श्री शर्मा का हाल सुनो, धर्मवादिनी मात बोला, जिनके है ये लाल सुनो, धर्मवादिनी मात बोला, जिनके है ये लाल सुनो। रघुपति राघव राजा रामपतित पावन सीताराम, ओ सीताराम तेरो नाम, सबको संपत्ति रघुपति राघव राजा रामपतित पावन। और तीसरे बेटे का नाम त्वष्टा बताया, त्वष्टा। पहले बेटे का नाम मनु, जिसने लोहे का काम किया। दूसरे बेटे का नाम मैं, जिसने काठ का काम किया। और तीसरे बेटे का नाम त्वष्टा बताया, जिसने तांबे का काम किया। जो तांबे की बड़ी बड़ी मूर्ति आप देखते हो, तांबे की जितनी धातुएं ये बन के आई, जितनी बड़ी बड़ी चीज बना रखी है, सारी कहां से निकली है? तांबे को काट करके जो कला बनाई जाती है वो कहां से निकली? वो तांबर शिल्पी कहां से निकले? वो वहीं से तो निकले हैं, भगवान विश्वकर्मा के तीसरे बेटे त्वष्टा की देन है ये सारी। एक मुनि हुआ करते कौशिक जी, उनकी बेटी जयंती नाम की लड़की से उनकी शादी हुई और सारी उम्र तांबे का काम किया। और नंबर तीन पे त्वष्टा जी के बारे में क्या लिखा? पुत्र त्वष्टा कहते, तीजा पुत्र त्वष्टा कहते, सब ते भोले वाले मुनि कौशिक की सुता जयंती बने उनके पति निराले, ताम्र शिल्पी काम करे थे कह शास्त्र मतवाले, इनके संग दखे ताम्र शिल्पी इनके बन सज ये जाने दुनिया आले रे, कहता लोगों को तेने सोचा करता जोड़ रहा है। अरे झूठी कोन्या वेद कैसे, झूठी कोन्या वेद कैसे, सच्चाई सब ढाल सुनो, परमवादिनी मात भुवना, जिनके है ये लाल सुनो, अष्ट वसु पर वास पुत्र श्री विश्वकर्मा का हाल सुनो, परमवादिनी मात भुवना, चौथा पुत्र कौन बताया? भगवान विश्वकर्मा का चौथा पुत्र जिसका नाम शिल्पी था, शिल्पी जिसने हमेशा पत्थर का काम किया। जितने भी ये मिस्त्री हैं, आज भगवान की मूर्ति न्यू क्यों बना के धरते हैं, इस तबड़ा चाड़ा और क्यों होगा रे, जिसने हमारे को बना दिया और जिसके बेटे खुद उसकी शक्ल बना सके, इस तबड़ी बात और क्यों होगी? बर्ताली तो बजाओ, कितनी बड़ी बात है। जितनी भी पत्थर की आप कलाकारी देखते हैं, ये सारी कहां से निकली? शिल्पी जी की देन है लोगों, ये पहले नहीं थी, उन्होंने खोज करी इस चीज की।
पत्थर काट के और इतनी प्यारी मूर्ति बनाना कोई आसान काम नहीं था। पहले रीब तो आम बात हो रही है, आज के साथ कलाकारी करी और उनकी शादी भृगु ऋषि की बेटी करुणा जी के साथ में हुई। बड़ा सुख जीवन व्यतीत किया। और किस तरह से नंबर चार पे कैसे लिखा है, चौथा पुत्र कहते शिल्पी, चौथा पुत्र कहते शिल्पी, जो इन तीनों का भाई भृगु ऋषि की पुत्री करुणा इनकी गल्या ब्याही। पत्थर का जो काम करनिया यारी कला बनाई, जितने बैठे मूर्तकार सब उनकी देन बताई रे, जितने बैठे मूर्तकार सब उनकी देन बताई रे। और किसान हाथ से घड़के, हर किसान हाथ से घड़के, कर दिया खास कमाल सुनो धर्मवादिनी मात भुवना, जिनके हैं ये लाल हर राष्ट्र वसु पर वास पुत्र श्री विश्वकर्मा महाराज सुनो पुत्र का नाम बताया देवज्ज। देवज्ज जी कौन थे, ये जितने भी सुनार बैठे हैं सोने चांदी का काम करने वाले कहां से निकले, या इतनी बड़ी कला के सोने के जो आजकल बिष्टु गांव है इतनी बड़ी बड़ी परत सी आती है उनको काट करके कोका बना दिया, तिल्ली बना दी, पैरों की जुट्टी बना दी, इतनी बारीक बारीक की जो कलाकारी है ये कहां से आई, इतना कमाल जो सोने के ऊपर करा, सोने चांदी के आभूषण जो आए उनकी परख जो आई कहां से आई, वो पांचवे पुत्र देवज्ज जी की देन बताई है। और इनकी शादी जैमिनी ऋषि की बेटी चंद्रिका के साथ में हुई। ये पांच पुत्र हुए मनु, मैं, त्वष्टा और देवज्ज, और पीछे गए हैं जो शिल्पी। ये पांचों भाई हैं विश्वकर्मा जी के बेटे। इन पांचों ने ऐसा बीज बो दिया कि सारी दुनिया कदे भूखी मर ही नहीं सकती। नंबर पांच पे किस तरह से क्या लिखा है, क्या दोस्ता जो देवज्ज कहे पूत पचमा, देवज्ज कहे पूत पचमा, निर्मल निश्चल शान सुनो जैमिनी ऋषि की बेटी चंद्रिका, उनके पति महान सुनो सोने चांदी का काम करनिया विश्वकर्मा की संतान सुनो, पंच शिल्पी ने पंचाल ब्राह्मण न्यू सारा कहे जहान सुनो, पंच शिल्पी ने पंचाल ब्राह्मण कग सरिये रम धन की विपता, कग सरिये रम धन की विपता, जय ओम गुरु ने ताल सुनो कर्म वाली मात भुवना, जिनके हैं ये लाल सुनो अष्ट वसु पर वास पुत्र श्री विश्वकर्मा का, वादिनी मात भुवना, जिनके हैं ये लाल सुनो वर्मवादिनी मात भुवना, जिनके हैं ये लाल सुनो। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय हो।